हेलो एंड वेलकम टू टेली नेटवर्क। और आज हम आपको बताने वाले हैं पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी, क्या चल रहा है शो में और आगे सीरियल की कहानी लेगी कौन सा नया मोड़। जी हाँ, शो में हमेशा की तरह ही नए नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। सीरियल में अवीरा खुद अरमान की दूसरी शादी की वेडिंग प्लानर बनी है। बीते एपिसोड में जहाँ आप देखते हैं कि अवीरा पुद्दार हाउस से चली जाती है, फिर बाद में अरमान भी उसके पीछे आ जाता है और सड़क पर ही दोनों की बहस हो जाती है। अरमान उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन अवीरा उसे खूब सुनाती है। वहीं इसके आगे आप शो में देखते हैं कि रूही अरमान को नशे में धुत घर लेकर आती है, जहां सब अरमान को देख काफी दंग रह जाते हैं। मनीष गोयनका रूही को लेकर जहां अपने घर चले जाते हैं और ये कहते हैं कि रूही का विदाई उनके ही घर से होगी। तो ही अरमान को घर वाले उसके कमरे में ले जाते हैं। दादी सा अरमान से मिलने जाती है और जब अरमान को होश आता है तो वह दादी सा पर सवालों की लाइन लगा देता है। अरमान दादी सा से ये पूछता है कि आखिर क्यों उन्होंने माधव और विद्या का रिश्ता बचाने के लिए अवीरा को ब्लैकमेल कर उसकी शादी तुड़वाई, जबकि अगर वह चाहती तो माधव और विद्या में पहले भी सब कुछ ठीक हो सकता था। वहीं इसके आगे आप शो में देखते हैं कि दादी सा अरमान को पट्टी पढ़ाने की कोशिश भी करती है लेकिन अरमान किसी की नहीं सुनता। इतना ही नहीं, दादी सा को यह भी बताता है कि अवीरा उससे कितना प्यार करती है और ये सुन दादी सा के होश उड़ जाते हैं। वहीं इसके बाद दादी सा अरमान से पूछती है कि क्या उन्हें भी उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया, और अरमान फिर कहता है कि वह भी अवीरा से बेइंतहा प्यार करता है। इसके बाद अरमान अवीरा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखते हैं कि अरमान रूही से अपनी शादी तोड़ देता है। रूही से कहता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह अवीरा से प्यार करता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ सभी बातों से अनजान अवीरा उदयपुर छोड़ हमेशा के लिए मसूरी जाने को तैयार है। तो अब इसके बाद आगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अरमान कैसे अवीरा को रोकता है और क्या इनकी शादी हो पाएगी। सो वेट एंड वॉच फॉर अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स इन सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Tele Network.